हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। पंचायती राज विभाग बिहार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है, जो कि बिहार में नई भर्ती का ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो चुका है 2020 के लिए, जो कि पदनाम है अंकेक्षक, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑडिटर पोस्ट के लिए। और इसमें 373 पदों पर बम्पर भर्ती है। और इसके रिगार्डिंग में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था 2019 के, कि अंकेक्षक के पद पर भर्ती होगी बम्पर बहाली। तो यहाँ पर जो है ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो चुका है बिहार सरकार के अंतर्गत, और जो लास्ट डेट रखा गया है वो आवेदन का 28 फरवरी लास्ट डेट है। तो आवेदन कौन लोग कर सकते हैं, कैसे करना है, उसकी क्या प्रोसेस है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को देखिए लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है बिहार की नई भर्ती। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक लाइक तो जरूर ठोक दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिए सब ग्रुप में, और आप चाहते हैं कि इस तरह का अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ कुल जो पद है वैकेंसी का वो है 373, और यहाँ पर बांटा गया है इसको कोटिवार। तो हमको दिखाते हैं कोटिवार में, देखिए यहाँ पर जो जनरल है उसके लिए 150 सीट है, जो EWS है 37 सीट है, पिछड़ा वर्ग 45, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 67, अनुसूचित जाति 59, अनुसूचित जनजाति 4 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 11 सीट है। कुल जो है 373 सीट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, देखिए यहाँ पर आवेदक को जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा और मानदेय वगैरह यहाँ देखिए, जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 65 साल होना चाहिए। और यहाँ पर जो है सारा कुछ दिया हुआ है, इसका जो आवेदन का लिंक वगैरह है यहाँ देखिए online.bih.nic.in/prd/AUD/default/ASP, ये आपका आवेदन लिंक है, ये आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो लास्ट डेट है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 28 फरवरी तक आप लोग शाम के 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आप कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई भी गलती होती है आपको, तो त्रुटि सुधार, भूल सुधार या किसी भी अन्य इसमें करेक्शन के लिए आपको कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा, इसलिए आप लोग सब कुछ देख के सही से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और आवेदन करने के बाद जो है आपको सभी प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड प्रति के साथ काउंसलिंग में जब बुलाया जाएगा आपको अनिवार्य रूप से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये था अपडेट, जो कि चंद्रशेखर सिंह डायरेक्टर हैं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको दिखाते रहें कि जो वैकेंसी आई हुई है ये आपको आई हुई है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, बिल्कुल नई भर्ती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि पंचायती राज विभाग अंतर्गत सेवानिवृत्त अंकेक्षकों की सेवा संविदा पर लिए जाने हेतु विज्ञापन, यानी सेवानिवृत्त मतलब जो अंकेक्षक पहले से काम कर रहे थे और वो रिटायर्ड कर गए हैं, सिर्फ ये उसी के लिए वैकेंसी है, जो कि बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था आपको, 2-3 जो निकली थी वैकेंसी आपका बिहार में, वो भी था आपको रिटायर्ड अभ्यर्थियों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही गलत हो रहा है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं पढ़ लिख कर, और यहाँ पर वैकेंसी उसके लिए आ नहीं रही है, और जो पहले से उठा रहे हैं पेंशन, जो काम कर रहे हैं पहले से, उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वैकेंसी आई हुई है अंकेक्षक की, ठीक है, अंकेक्षक की, तो ये आपको जो रिटायर्ड पर्सन है ये उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर अगर आप लोग रिटायर्ड हैं तो इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ये फ्रेशर के लिए बिल्कुल भी जॉब नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग की क्या राय है, बिहार सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल गलत कर रही है कि अच्छा कर रही है, आप लोग जरूर कमेंट में राय दीजिएगा। तो यही था फ्रेंड्स अपडेट, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।